हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ फॉर टीवैब ऐप स्टूडेंट्स इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑफ 2022 क्वेश्चन पेपर सेम फाइव इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज GST। इसके पहले 18, 19 का वीडियो बना चुका हूँ, अभी 22 का वीडियो बना रहा हूँ, वो भी देख लेना। तो 22 में के पेपर में क्या पूछा था, सबसे पहले आपको पूछा था एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। डैश इज नॉट सबजम, नॉट सबजम का मतलब मर्ज नहीं हुआ। जीएसटी में क्या मर्ज नहीं हुआ, इसमें से सर्विस टैक्स मर्ज हो चुका है, एक्साइज भी स्टेट वैट मतलब एम वैट जो था महाराष्ट्र में वो भी मर्ज हो चुका है, तो बचा क्या, स्टैम्प ड्यूटी। नॉट सबजम का आंसर आएगा स्टैम्प ड्यूटी, अभी भी चल रहा है, ठीक है, उसके जगह पे जीएसटी आया नहीं अब तक, सो स्टैम्प ड्यूटी इज द राइट आंसर। आगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज इश्यूड इन जीएसटी REG 06, ये फॉर्म है ध्यान में रखना, ठीक है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज इनवॉइस शैल बी इशूड विद इन अ पीरियड ऑफ डैश फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, तो इसका आंसर आएगा 30 डेज। ओके, अगर आपने मेरा टाइम ऑफ सप्लाई का वीडियो देखा है तो ये आंसर आपको पता होगा। अ पर्सन हु हैज ऑप्टेन और रिक्वायर्ड टू ऑप्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन विल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन, ठीक है। आगे नंबर फाइव, डैश इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, अभी ये रिपीट हो रहा है, देखो 2018 में ये पूछा था एक बार, इंटर स्टेट सप्लाई के ऊपर क्या लगता है, IGST। इंटर स्टेट का मतलब जहां पे दो स्टेट्स इन्वॉल्व है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ एक स्टेट दो टैक्स, दो स्टेट एक टैक्स, खत्म, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, छ, 7, 8, 9, 10। चलो देखो, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ IGST रेट फिक्स्ड इन द एक्ट इज, IGST का मैक्सिमम रेट कितना बोला है, 40%। आगे कोरम ऑफ GST काउंसिल, ये बार बार रिपीट हो रहा है यार, 18 में पूछा, 19 में पूछा, 22 में पूछा, फिर भी स्टूडेंट्स को नहीं आएगा, ठीक है। चलो तो इसका आंसर आएगा हाफ कोरम, ओके, कोरम मतलब कितने लोग आएंगे तभी मीटिंग स्टार्ट होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी फॉर अ डीलर डीलिंग इन बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट कौन सा है इसका, गुजरात नॉर्मल स्टेट है, तो इसका वीडियो भी अपन ने डाला हुआ है रजिस्ट्रेशन का, वो भी देख लो, ठीक है, सब डाला है, ढूंढने की जरूरत है सिर्फ। तो कितना लिमिट होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, 20 लाख, सिर्फ गुड्स होता तो 40 लाख आता, ठीक है, गुड्स सर्विसेज दोनों है तो 20 लाख लिमिट है। प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर सर्विस बाय वे ऑफ एडमिशन टू इवेंट इज प्लेस वेयर इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, तो वो होगा प्लेस ऑफ सप्लाई। नंबर 10, मिस्टर ए हैज अ टर्नओवर ऑफ 8 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 21-22, ही डैश अंडर GST वॉलंटरली रजिस्टर्ड, ठीक है, उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की जरूर, कैन नॉट रजिस्टर्ड, शुड नेवर रजिस्टर, ऐसा नहीं आएगा, कैन वॉलंटरली रजिस्टर, अगर उसको लग रहा है भाई रजिस्ट्रेशन करना चाहिए तो करो, अदरवाइज इट इज नॉट कंपलसरी, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया MCQ ऑफ 2022 क्वेश्चन पेपर, ठीक है। कैन मतलब जैसे मैंने इच्छा है तो कर भाई, नहीं तो मत कर, क्योंकि तेरा ऑलरेडी लिमिट कम है रजिस्ट्रेशन से। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके साथ वाला नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। ट्रू और फॉल्स, देखो ट्रू और फॉल्स सबसे पहले क्या पूछा है, जीएसटी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स बाय ट्रू आएगा, ये ऑलरेडी रिपीट हो चुका है, ठीक है। सप्लाई ऑफ SEZ यूनिट इज टैक्सेबल सप्लाई, फॉल्स, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन, गवर्नमेंट उनको कुछ स्पेशल प्रोविजन देता है जिसके वजह से उन पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द फर्स्ट टू डिजिट्स ऑफ GSTN रिप्रेजेंट कंट्री कोड, कंट्री कोड नहीं भाई, ये रॉन्ग है, तो ये फॉल्स आएगा, कंट्री कोड नहीं आता, वहां पे कौन सा कोड आता है, स्टेट कोड आता है, स्टेट कोड आता तो राइट। इनपुट टैक्स रेट ऑफ CGST कैन बी फर्स्ट यूटिलाइज टू पे आउटपुट लाइबिलिटी ऑफ SGST बाय, बड़ा फॉल्स है, क्योंकि CGST के साथ CGST एडजस्ट होता है, CGST SGST SGST CGST ऐसा क्रॉस कनेक्शन नहीं लगता, ठीक है। आगे गुड्स इंक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज, इसका आंसर आएगा फॉल्स, मनी एंड सिक्योरिटी गुड्स में नहीं आता, डेफिनेशन में बताया। गुड्स सेंड फ्रॉम मुंबई हेड ऑफिस टू गुजरात ब्रांच इज इंटर स्टेट सप्लाई, सो दिस इज ट्रू, कैसे भी करो दो स्टेट इन्वॉल्व है तो इंटर स्टेट है। आगे मोटर स्पिरिट
मोटर है वो मोटो नहीं है, आर खा गए यूनिवर्सिटी वाले। मोटर स्पिरिट इज नॉट लायबल टू जीएसटी, सो ट्रू। मोटर स्पिरिट मतलब पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल डीजल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। आगे, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी इज कंपल्सरी फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सो दिस इज ट्रू। तो ये भी थोड़ा पढ़ के जाना थ्योरी में, सीटीपी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड एनआरटीपी, ओके, डिफरेंस पूछते हैं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू इज एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ट्रू। क्योंकि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपका एम्प्लॉयर, आपका मालिक, आपका कंपनी आपको सैलरी देता है भाई, जीएसटी का पैसा नहीं देता अलग से। ओनली रजिस्टर्ड पर्सन एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, ट्रू। सो जिसका रजिस्ट्रेशन है वही इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठा सकता है, बाकी के लोग नहीं उठा सकते। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ट्रू और फॉल्स। पहले हम लोग एमसीक्यू डिस्कस कर चुके थे, इस तरीके से 2022 का ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर चुके हैं। 18 का वीडियो देखो, 19 का देखो, उसके बाद 22 का बना चुका हूँ, 23 का वीडियो आएगा वो भी देख लेना, बिकॉज दोस्तों 15 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। सेकेंड थिंग, कुछ बच्चे कमेंट में लिख रहे हैं थेरी क्वेश्चन भेजो, तो थेरी का वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है। थेरी में कुछ ज़्यादा चेंजेस होता नहीं एवरी ईयर, तो वो वीडियो मैंने एक आपको वीडियो लास्ट वीडियो में बताया था, जिसमें क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया था TYBAF का, एक प्लेलिस्ट बनाया, उसमें आपको इम्पॉर्टेंट थेरी क्वेश्चन का वीडियो मिल जाएगा, वो प्लीज़ देख लेना। वही रिपीट होगा क्वेश्चन, वो आप थोड़ा गूगल पे सर्च करोगे उसके आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ाई करते रहो, वीडियो मैक्सिमम बच्चों तक स्कोर करो, शेयर करो ताकि सब लोग पास हो सके। एंड कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग बागवेसस ज्ञानदीप कॉमर्स क्लासेस। ऑल द वेरी बेस्ट।